तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, तत्काल न्यूज लाइव नागपुर से मैं अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं वैशाली नगर के पेट्रोल पंप के सामने। हम आपसे एक ऐसे इंसान से रूबरू कराते हैं कि इस महामारी के टाइम पे बहुत से लोग, बहुत सी संस्था आगे आई है जिन्होंने अपने तरफ से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कुछ राशन, कुछ किट मतलब दिए हैं लोगों को। और इस बार बहुत कम ऐसी संस्थाएं सामने आई है कि पूरी तरह लोगों को मदद नहीं कर पाई, क्योंकि कारण ये है कि इस बार तुरंत में, फिर पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था और 3 महीने खोला गया था, 3 महीने के बाद फिर तुरंत में लॉकडाउन लग गया, तो सभी की हालात बहुत ख़राब है। तो आप सब जानते हैं कि आज माहौल क्या है, लेकिन बावजूद इसके भी एक शख्स ऐसे है कि जो घर घर जाकर उनकी परिस्थितियों को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि सही में ये इंसान ज़रूरतमंद है या नहीं है। ऐसे लोगों को, किसी को 1 हफ्ते का राशन दिया जा रहा है, किसी को 15 दिन का राशन दिया जा रहा है और साथ में कुछ पैसा भी दिया जा रहा है, वो अपने तरफ से दे रहे हैं ऐसे परिवारों को कि जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी ये इंसान अपने एक्टिवा के ऊपर बोर्ड लगा के घूम रहे हैं और इन्होंने नंबर भी दिया है कि अगर जो कोई भी इनको फ़ोन करता है ये उसके घर पर जाके उसके घर पहुँच राशन दे के आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन है ये शख्स। आपका नाम बताइए सर। मैं धम्मचारी श्रमण मित्र बोलिए। मेरा नाम धम्मचारी श्रमण मित्र है। हाँ। और मैं एक नागलोक संस्था से बिलोंग रखता हूँ जो पूरे भारत में लोगों को हेल्प करने का काम करती है। आपका मैं हमने देखे, जैसा कि ये एक्टिवा है, ये एक्टिवा के ऊपर भी आपने जैसे ये बैनर लगा के रखे है, तो कोरोना रिलीफ वर्क, तो आप ये कब से बांट रहे हैं, रिलीफ वर्क कब से चालू है आपका? ये साधारण मैं गए साल में करीब 1700 परिवारों को हेल्प किया बस्ती बस्ती में जाके। इस साल भी जो ज़्यादा बहुत ही कोरोना से जो मर गए हैं उनके फैमिली ने मुझे फ़ोन की कि सर हमारी परिस्थिति और बहुत गंभीर है। मैं भी घबराया था क्योंकि मेरे भी 2-4 दोस्त कोरोना में मर गए, लेकिन फिर भी मेरा एक अच्छा गुरु है जिसका नाम अमोघ भद्र है, जिनका इसी सेकंड कोरोना में देहांत हो गया और उनके देहांत में मैं प्रतिज्ञा किया कि कम से कम मैं 50 लोगों को भूखा नहीं रहने दूंगा। और उनके ही प्रेरणा से, और दूसरे एक मेरे दोस्त है उनके प्रेरणा से, मैंने अभी तक के 230 परिवारों को 15 दिन का, किसी को 1 हफ्ते का जो राशन है वो पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश किया। इस साथ में आप कुछ पैसा भी देते नज़र आ रहे हैं। हाँ यस, तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि भाई अगर किसी को बहुत ही ज़रूरत है, जिनके किसी के फैमिली मेंबर ही अगर मर गए और उनके घर में अगर कुछ भी नहीं है, ना दवाई लेने के लिए या प्याज लेने के लिए ऐसा नहीं है, तो आप कृपा उन्हें ऐसे आप आर्थिक मदद कीजिए। तो मैं ऐसे कुछ 30 परिवारों को आर्थिक मदद भी कर पाया। तो बाकी है जो आपकी जो तैयारी है राशन किट वगैरह की, तो ये किसी संस्था की मदद से हो रहा है या आप खुद भी कर रहे हैं अपने पर्सनल? सबसे पहले तो 2 संस्था है जो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, एक है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ और दूसरा है नागलोक। तो नागलोक ने इस समय मुझे 100 लोगों के लिए हेल्प किया और जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है उन्होंने मुझे 100 लोगों के लिए हेल्प किया। तो अभी तक के संस्था के तरफ से मैं 200 लोगों के लिए हेल्प लिया हूँ और खुद के बल पे मैंने कम से कम 30 लोगों को हेल्प किया। यह जो मदद है, मैं बस्ती बस्ती में अलग अलग मंदिरों में जाता हूँ, लोगों को मदद मांगता हूँ और जो लोग मुझे मदद करते हैं तो किट बना के वहाँ तक के मैं पहुँचाता हूँ। तो पर्सनल आप अपने तरफ से भी मतलब इसके अंदर कुछ पैसा डाल रहे हैं, जैसे कि आपने बताया था कि पैसा नहीं रहने के कारण आपके जब पैसा ख़त्म हो गया तो आपने सोने की अंगूठियाँ कुछ ऐसा बता रहे थे। यस यस, तो निश्चित ही आपने जो सुना वो बराबर है। परसों के दिन मैंने देखा कि जब पानी आया था तो मैं बस्ती बस्ती में पानी में घूम रहा था, तो जो गरीब लोग हैं उनकी परेशानियाँ मुझे देखकर नहीं हुई और उनके घर में ना खाने को था और पानी भी उनके घर में चला गया। ऐसे समय मेरी जो सोने की अंगूठी है तो वो मैंने 7000 में गिरवी रखा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल उसको मैं छुड़ा लूँगा और तुरंत ऐसे परिवारों को मैंने हेल्प किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी खुद की सोने की अंगूठी गिरवी रख के लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं।
ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी तक आपने टोटल 1700 लोगों को पिछले साल बांटा है, और इस साल कितने लोगों को आपने किट दिए है? इस साल मैंने अभी 260 लोगों को अभी तक के किट मैंने दी है, और आने वाले दिनों में मैं 40 लोगों के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में मेरे पास में कुछ भी नहीं है, और आज मेरे पास में 6 लोग हैं, जिसमें से 3 महिलाएं प्रेग्नेंट है और उनके हस्बैंड कोरोना से मर गए हैं। तो मैं उनके लिए आज सुबह से ही खोज कर रहा हूँ कि इन मेरी बहनों को किस तरीके से मदद हो। तो आपका सर सभी जाति के लोगों को हेल्प कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं बचपन से ये बात मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि हमारे स्कूलों में सीखा गया कि भारत मेरा देश है और सारे भारतीयों मेरे भाई बहन हैं। तो ये जो कोरोना किसी की जात या धर्म देखकर नहीं आ रहा है, ये कोरोना सबको हो रहा है और सभी को बहुत ही ज़्यादा समस्या है। अमीर हो या गरीब हो, सभी को यानी दो 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 समय का निवाला, ये बहुत उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उस दिन मैं सबसे अमीर लड़की से मिला जिसके माता पिता गुजर गए थे, और जब उनको मैंने पैसे देने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा भैया हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे घर में अनाज नहीं है, बस हमें अनाज दिला दीजिए। तो मुझे लगा कि अनाज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पैसों से भी। तो इस प्रकार से मैं अभी लोगों को यानी सहायता कर रहा हूँ, और केवल मैं नागपुर के एक किनारे में नहीं काम कर रहा हूँ, पूरे नागपुर के अलग अलग विभागों में जा रहा हूँ। खास करके मैं हिरवी नगर, मिनी माता नगर, भांडेवाड़ी, एजबी टाउन, नहीं क्या ये जो लंबा सफ़र है, जहाँ झोपड़पट्टी है, जहाँ गोंड मोहल्ला है, जहाँ कोई जाता ही नहीं क्योंकि वे दारू पीते हैं, पड़े रहते हैं कहीं पे भी, तो ऐसे झोपड़पट्टियों में जहाँ कोरोना है ऐसे एरिया में जाके मैं घर घर में काम करता हूँ। तो आपका जो रिलीफ कैंप है जो ये कब तक चलेगा? सिर्फ ये कोरोना के अंदर ही मतलब चलेगा लोगों की मदद के लिए, या आगे भी आपका इस बारे में कुछ प्रोग्राम है? मैं ये जो ज़रूरत जिसको है, मैं मेरे दिल में एक अच्छी उमंग अभी निर्माण हो गई कि कोरोना के वजह से अगर किसी माँ का अगर लड़का मर गया तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे दो माँ को मैं दत्तक लूँ और उनके लिए कोई नई यानी संस्था लॉन्च करके उन महिलाओं को मैं ज़िंदगी भर पालूँ, ताकि उन्हें कभी ऐसा गम ना हो कि कोरोना के वजह से उनका एक लड़का मर गया। तो शायद उनके लिए मैं दूसरे बच्चे यानी जवान लड़के मैं तैयार करूँ, ताकि ऐसे माओं को कोई ना कोई हेल्प करे। तथा मैं झोपड़पट्टियों में सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर और रोज़गार का जो नई योजना है, लोगों को अगर जैसे कोई लंगड़े है, लूले है, कुछ कर नहीं सकते, भिक्षा मांगने के बजाय उनको मैं कुछ ना कुछ व्यापार दूंगा, ताकि वो आलू प्याज बेचे और खुद का पेट खुद पाले। तो ऐसी मेरी आशा है। आपका मतलब है कि ऐसी जो वृद्ध महिला है जो बेसहारा है, आप उनका बेटा बनकर उनके ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं और उनको सहारा देना चाहते हैं? यस, निश्चित ही यही सबसे बड़ा इन्हें ये होता है। कहते हैं कि लोग जिसे वो जन्म देते हैं, कहते हैं कि यही भाई मेरा सर्वश्रेष्ठ है, हाँ उसको लगता है कि यही सर्वश्रेष्ठ है, पर ऐसा नहीं है। जन्म देने वालों से भी पालन पोषण करने वाला यह सबसे बड़ा होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों के लिए उनका किसी का मैं भाई बनूँ तो किसी का मैं बेटा बनूँ। नहीं क्या, मैं भी संसार में हूँ, लेकिन मेरी एक भावना बहुत अच्छी है, क्योंकि जिन गुरुओं ने मुझे सिखाया ज़िंदगी का वैल्यू, तो उसके लिए मैं मेरे गुरुओं का बहुत बहुत यानी शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुरु ने मुझे इंसान बनाए, और ऐसा इंसान बनाए जो दूसरे के हित के लिए काम करे। ये जो पट्टा मेरे गले में आप देख रहे हो, मैं एक प्रकार का एक धर्मचारी हूँ, और धर्मचारी जब आदमी बनता है तो वो दूसरों के हित के लिए बनता है, दूसरों के सुख के लिए बनता है। इसका मतलब हम हमारे घर में दुखी है ऐसा नहीं है, हम हमारे घर में भी सुखी है, और हमारे सुख के साथ साथ हम वह सुख दूसरों को भी बाँटते हैं। तो इस काम के लिए सबसे ज़्यादा ये जो मेरे दो छोटे छोटे जो दोस्त दिख रहे हैं, ये दिखने में बड़े छोटे हैं, दिखने में छोटे हैं, जैसे इनका नाम है अजय लोखंडे, ये दिखने में छोटे हैं, और दूसरा ये जो है यह है प्रिंस चौधरी, ये दोनों के दोनों मुझे किट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। बस्ती बस्ती में किट बांटने के लिए दोनों मदद करते हैं। ये भी बड़ा यंग है, पर कभी ये कोई चाहत नहीं रखते हैं, यानी उनको लगता है कि भाई हमारा सर है, हमारे बस्ती का सर है, लोगों के हित का काम कर रहा है, तो क्यों ना हम भी सहारा करें। तो ये तो हमेशा मेरे साथ में रहता है, और इसको बुलाना ही नहीं पड़ता है। ये आपका बेटा है? नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त, दोनों मेरे दोस्त है, दोनों मेरे विद्यार्थी है, दोनों मेरे दोस्त है, और बड़े अच्छे दोस्त है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने अच्छे और छोटे छोटे दोस्तों को साथ में रखे है, बच्चों से दोस्ती रखे है, और ये आपके काम में हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बेटा आगे चल के तुम्हारे माइंड में क्या है कि क्या करना चाहोगे आगे चल के? आप मेरा कि आपके सर ने बताया कि आप इनके दोस्त हैं और विद्यार्थी भी है। मैं भी कार वॉशिंग काम करता हूँ, नहीं क्या? हाँ। तो आगे चल के मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ लोगों की, नहीं क्या? हाँ।
यानी कि दो तीन रोजगार रखना चाहता हूँ, दो तीन लड़कों का रखना चाहता हूँ अपने पास, नहीं काम करने के लिए, बस इतना ही। हाँ बेटा, आप तुम क्या करना चाहते हो आगे चल के? मैं बड़ा हो के सर के साथ ही काम करना चाहता हूँ। सर के साथ में काम करना चाहते हो? हाँ। और आगे क्या करने वाले हो? पब्लिक के लिए क्या आपके मन में भी कुछ ऐसा विचार है जैसा सर कर रहे हैं लोगों की? हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, आप क्या मन में ऐसा क्या मदद करूँगे लोगों की? लोगों के घर में जाके कुछ खोल के देंगे, मतलब दुकान, या उनको हमने अपने दुकान खोलूंगा, उसके अंदर दो तीन गरीबों को अपने दुकान में काम कराऊंगा। दुकान में काम कराएंगे अपने? हाँ। या खुद की दुकान खोलेंगे? हाँ। गरीबों को रोजगार देंगे? हाँ। हाँ, ताकि उनका घर चल सके। हाँ। अभी कितना आप पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। कितनी में आप? हम एट में। एट में? एट। और आप कितनी में अभी पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी आईटीआई कर रहा हूँ। आईटीआई में? अरे आईटीआई करके कैसे आपको सपना कुछ नौकरी लगती है कुछ लगती है, तो फिर आप लोगों की हेल्प कैसे करेंगे? आपके पास तो समय नहीं रहेगा। नहीं, नौकरी तो नहीं करने वाला हूँ। नौकरी नहीं करोगे? तो लोगों की सेवा के लिए? हाँ। मतलब अपनी जिंदगी समर्पित कर देगी। बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि देखो ये दो छोटे बच्चे है, आज इनकी सोच देखी है कि इनकी सोच कितनी बड़ी है। यानी अंदाजा लगाया जाता कि जब इनके गुरु की सोच ऐसी है तो ये इनके जो शिक्षक है इनकी सोच कैसी होगी, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी से इनके दिमाग में देखो ये चल रहा है कि आगे हम बड़े होकर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और आगे उनको रोज़गार देना चाहते हैं ताकि उनका परिवार भी भूखा ना रहे और उनका परिवार को रोजी रोजगार मिले। सबसे महत्व की बात मैं पूरे समाज को बताना चाहूँगा, ये जो नागलोक आप ये शब्द सुने होंगे या कभी पढ़े होंगे, तो नागलोक की ओर से भी पूरे नागपुर के लोगों के लिए सबसे बड़ी उन्होंने एक मदद दी है। ऑक्सीजन की व्यवस्था की है उन्होंने, एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, और कोई गरीब है जिनको दवाई की आवश्यकता है तो नागलोक संस्था के द्वारा ऐसे गरीबों को ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। तो अगर ये न्यूज़ सुनकर अगर कोई कोरोना पेशेंट है या कोई प्रॉब्लमेटिक समस्या में है तो आप सीधा नागलोक से संपर्क कर सकते हैं, या जहाँ पे नंबर है मेरा उस नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि किसी की जान बच जाए। नहीं क्या कब क्या होगा कोई पता ही नहीं, तो जो नागलोक संस्था ने जो अभी दवाखाना वहाँ चालू किए है नहीं क्या कोरोना के लिए, तो मुझे लगता है कि वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं खास लोगों को केवल अनाज नहीं बांट रहा हूँ, तो लोगों को ये भी जागरूक कर रहा हूँ कि कोई तो भी ऐसी संस्था है जो आपके हेल्प के लिए सामने आई है, तो मुझे लगता है कि अनाज देना ही इम्पोर्टेंट नहीं, तो किसी की जान बचाना भी बहुत बड़ी बात है। तो जिन्हें भी अगर ये न्यूज़ सुनकर कोई कोरोना पेशेंट मिलता है या कोई परेशानी में वाला व्यक्ति मिलता है तो वहाँ पे फ्री ऑफ चार्जिंग अभी इलाज हो रहा है, और एम्बुलेंस भी घर में फ्री ऑफ चार्जिंग अपने घर में आके, इवन वो लोग घर में जाके ऑक्सीजन भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित ही अगर हम अच्छे हैं तो हमें लोग भी अच्छे मिलते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि उस दिन मैंने एक मुस्लिम दीदी को हेल्प किया जिसका हस्बैंड कोरोना से मर गया और उसको छोटे छोटे बच्चे है, तो उसने मजाक में कह दी सर आप तो अल्लाह के जैसे हमारे घर में आ गए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई भगवान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया में जो भी लोग हैं उनका एक अच्छा भाई बनूँ और उनका किसी का बेटा बनूँ, और जितनी मेरे से हो सके उतनी मैं उनकी मदद करते रहूँ। तत्काल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावण जी की ज़िंदगी आप जो देख रहे हैं आज, ये जो इंसान आप जैसे हालत में देख रहे हैं एक्चुअली ये वैसे है नहीं, अभी इनके लाइफ का ट्विस्ट बाकी है, वो हम आपको आज नहीं बताएंगे, वो हम कल बताएंगे आपको कि इनकी लाइफ पहले क्या थी और ये कैसा उस लाइफ को त्याग देकर आज इस नेकी के काम में जुटे हैं। और अपने दो छोटे छोटे जो शागिर्द हैं ये भी इनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ का जो ट्विस्ट है ये अभी हम सस्पेंस में रखते हैं, आपको कल बताएंगे कि इनकी लाइफ पहले क्या थी, कहाँ से ये कहाँ पहुँचे और क्यों पहुँचे, ये आपको हम कल बताएंगे। तत्काल न्यूज़ नागपुर, अब्दुल शेख।